सभी को मेरा नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे, आई होप सो। आज पुनः मैं एक बार अपने इस लेक्चर सीरीज़ में आपके लिए आधुनिक सिद्धांतों के संदर्भ में उल्रिच बैक, या इन्हें हम उल्रिच बैक या उल्रिक बैक, कहीं कहीं हमें उल्रिच बैक भी इनके नाम हिंदी किताबों में नज़र आता है, आधुनिकता के सिद्धांतों में आज हम इनके रिस्क सोसाइटी, रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की यहाँ पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में विमर्श का जो एक प्रमुख विषय है वह ये है कि हम आधुनिक समाज में हैं या उत्तर आधुनिक समाज में प्रवेश कर चुके हैं। सिद्धांतकारों का एक वर्ग यह मानता है कि अभी हम आधुनिक समाज में हैं, क्योंकि औद्योगिकरण और बुद्धि संगतता, इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रेशनैलिटी, आर द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ कुछ हमारे पास ऐसे सिद्धांतकार या विचारक हैं, समाजशास्त्री हैं, जो मानते हैं कि हम उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, और वह मानते हैं कि आधुनिकता का अंत हो गया और उत्तर आधुनिक समाज की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ हम अगर आधुनिकता के सिद्धांतों की आज चर्चा कर रहे हैं, तो आधुनिकता के सिद्धांतों को भी हम टू कैटेगरीज में देखते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज इन मॉडर्न सोसाइटी। विच वन? नंबर वन, आधुनिकता के क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मॉडर्निटी, और दूसरा है आधुनिकता के समकालीन सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मॉडर्निटी। इस व्याख्यान में आज मैं आधुनिकता के समकालीन सिद्धांतों के संदर्भ में उल्रिच बैक के सिद्धांत में जो कंसेप्ट दिए गए हैं, अवधारणाओं में जो रिस्क सोसाइटी और की बात की गई है, या रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की बात की गई है, व्यक्तिकरण की बात की गई, उस पर यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। समकालीन सिद्धांत वेत्ताओं ने स्पष्ट रूप से समाज को पूंजीवादी और बुद्धि संगतता के संदर्भ में देखा। जो भी समकालीन आधुनिक सिद्धांतवादी हैं, जिसमें से हम हैवरमास को लेते हैं या हम जॉर्ज रिट्जर को देखते हैं, इन सब ने पूंजीवाद और बुद्धि संगतता को आधार मानते हुए आधुनिकता के सिद्धांत दिए। इनका मानना है कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो समाज को एक सूत्र में बांधती है, और इस सूत्र में बांधने का जो कार्य है वह रेशनैलिटी या बुद्धि संगतता करती है। पर हम यहाँ जब बैक के सिद्धांत पर बात करेंगे, तो बैक रिट्जर और हैवरमास से इस जगह अलग दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं। बैक ने कहा कि आधुनिकता में बुद्धि संगतता और पूंजीवादी खुशहाली तो है, आधुनिकता में पूंजीवादी खुशहाली है और बुद्धि संगतता है, लेकिन साथ साथ जोखिम भी होता है। जोखिम मीन्स रिस्क, और यह जोखिम डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल होता है। यह जोखिम केवल एक कारण से नहीं होता है, बैक कहते हैं बहुआयामी होता है। इस समाज में कुछ समृद्ध जीवन बिताते हैं, कुछ लोग समृद्ध रूप से जीवन बिताते हैं, और कुछ लोग बहुत ही आर्थिक तंगी और परेशानी में जीवन बिताते हैं। जहाँ पूंजीवाद उद्योगों में फैलाव होता है, जहाँ पूंजीवाद और उद्योगों में जितना अधिक फैलाव होता है, वहाँ वह कहते हैं कि स्लम्स एरिया, गंदी बस्तियाँ, झोपड़पट्टियाँ, और प्रदूषण भी होता है। अर्थात एक तरफ आप देखेंगे कि आधुनिकता, जो आधुनिकतावादी सिद्धांतकार हैं, वह कहते हैं कि पूंजीवाद है, औद्योगिकरण आया, लोगों को एकता में बांधने का, इन सब के साथ बैक यहाँ पर कह रहे हैं कि जितना जितना पूंजीवाद और उद्योग विकसित होता है, समाज में उतना ही रिस्क भी हो रहा है और समाज जोखिम भरा। इसी आधुनिक समाज में वह कहते हैं कि जानलेवा बीमारियाँ भी होती हैं। आज हम सब एक बहुत बड़े पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, और आज इस थ्योरी को, जब मैं इस अवधारणा को आपको आधुनिकता के संदर्भ में, जो उनका ये रिस्क सोसाइटी की कंसेप्ट है, जब आप आज इसे समझेंगे, तो आप इसे वर्तमान समकालीन जो हमारे सामने ये समस्या चल रही है, इससे आपको रिलेट करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे जो सिद्धांतकार हैं, समाजशास्त्री हैं, वह जब
अध्ययन करते हैं तो क्यों हम कहते हैं कि हम अध्ययन के आधार पर भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं। आगे बैक कहते हैं, यह आधुनिक समाज एक आपत्तिजनक समाज होता है। आधुनिक समाज की इस तरह की व्याख्या समकालीन आधुनिकता के सिद्धांतों में एकदम नई है। बैक ये स्वीकार नहीं करते हैं कि हम उत्तर आधुनिक समाज में प्रवेश कर गए हैं, वह उत्तर आधुनिक समाज के विरोधी हैं, बल्कि बैक ने यह कहा कि हम आधुनिकता की सेकेंड फेज में, मतलब आधुनिकता के हम द्वितीय चरण में आ गए हैं। इसे हम उत्तर आधुनिकता नहीं कह सकते हैं, यह आधुनिकता की एक द्वितीय अवस्था है और इस अवस्था में पहुंचकर जो भी पिछली हमारी संस्थाएं थी अब वह क्या हो गई हैं, यूनिवर्सल हो गई हैं, सार्वभौमिक हो गई हैं और अब इन संस्थाओं पर परंपरा और रीति रिवाजों की पकड़ ढीली हो गई है। कहने का तात्पर्य जो हमारी पिछली संस्थाएँ, विवाह को हम संस्था कहते हैं, परिवार को हम संस्था कहते हैं, उदाहरण के लिए ये जो हमारी पिछली संस्थाएं थीं जिन पे परंपरा और रीति रिवाजों का बहुत अधिक प्रभाव था, आज इन पर यह प्रभाव कम हो रहा है, इनकी पकड़ ढीली हो गई है। यहाँ पर बैक कहते हैं कि जो पुराना औद्योगिक समाज है, जो पुराना औद्योगिक समाज था, यहाँ एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया, भोथरा हो गया। भोथरा मीन्स कुंद हो गया, जिसकी धार कम हो जाती है, तेज नहीं रहती, उसे हम भोथरा कहते हैं। और उसके स्थान पर जो नया औद्योगिक समाज आया है, इस समाज में जोखिम भरा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, इस समाज में अनिश्चितताएं और पग पग पर बहुत खतरे हैं। आज के आधुनिक समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है इन जोखिमों की व्यवस्था करना, इन रिस्क की व्यवस्था करना, कि हम कैसे इस तरह के जो रिस्क समाज में उनसे बाहर निकले। परंपरागत समाज में कोई जोखिम नहीं था, ये हम नहीं कह सकते हैं और ये बैक भी नहीं कह रहे हैं। बैक का कहना है कि ऐसा नहीं है कि परंपरागत या पुराने समाज में जोखिम नहीं थे, पर पुराने समाज में जोखिम की मात्रा कम थी। दूसरा, पुराने समाज में जो जोखिम थे वह बहुत हद तक, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारियां भी आती थी, लेकिन वह जोखिम कम थे, उनका फैलाव उतना अधिक नहीं था और ज़्यादातर वह प्राकृतिक आपदाएं होती थी। रिस्क सोसाइटी, जोखिम भरा समाज, यह उल्रिच बैक की एक अवधारणा है जो उन्होंने 1922 में अपनी पुस्तक रिस्क सोसाइटी में दी। इस पुस्तक में बैक हमें इंगित करते हैं कि समाज में जितना अधिक तकनीकी तंत्र बढ़ेगा, यानी टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा तेज़ी से समाज में आएगी, हमें जोखिम भी उतना ही अधिक उठाना होगा। उदाहरण के लिए, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर्यावरण का संकट है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे सामने नई नई समस्याएं आ रही हैं। बैक कहते हैं यह जोखिम केवल पर्यावरण तक ही नहीं है, जोखिम है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी के कारण जो रिस्क सोसाइटी में डेवलप हो रहा है वह केवल एनवायरनमेंट तक है, नहीं, इसने अपनी गिरफ्त में अन्य और क्षेत्रों को भी ले लिया है। जैसे बैक कहते हैं रोजगार में अनसिक्योरिटी आई है, अनिश्चितता बढ़ी है, व्यक्ति की पहचान जो कि पुराने समय में परंपराओं और रीति रिवाजों से भी उसकी जानी जाती थी वह घट गई है। आज आप देखें महानगरीय संस्कृति में हम अस्तित्व विहीन हैं, वहीं परंपराएं या जो रीति रिवाज थे वो आपकी पहचान थी और आज वह धीरे धीरे कम हो गई है। यहाँ पर वे एक चीज़ और कहते हैं कि आधुनिकता के विस्तार के साथ साथ जितनी तेज़ी से आधुनिकता का फैलाव और विस्तार हुआ उतनी ही तेज़ी से जोखिम का भी विस्तार हुआ है। बैक के अनुसार जोखिम समाज का एक बहुत बड़ा खतरा यह है कि यह जोखिम सभी समाजों में और सभी स्थानों पर होता है। आज की जोखिम हम जो रिस्क है वह हमें सभी देशों और सभी वर्गों को प्रभावित करती है। अपनी इस जोखिम समाज की अवधारणा में बैक ने कतिपय शब्दों का और भी प्रयोग किया, जैसे जोखिम या रिस्क कैसे समाज में आता है उसके कुछ उन्होंने भी प्रकार बताए। एक बार कहते हैं निर्माणी जोखिम, निर्माणी जोखिम मतलब मैन्युफैक्चर्ड रिस्क, ये जो जोखिम मैन्युफैक्चर्ड है मीन्स हमने बनाया है, यह जोखिम हमने बनाया है और ये आधुनिक समाज की ही देन है।
क्योंकि पिछले समय में जो जोखिम होते थे वह प्राकृतिक थे और मनुष्य उनके आगे घुटने टेक देता था, लेकिन आज की जोखिम का हमने निर्माण किया है, हमने ऐसा तकनीकी तंत्र पैदा किया है, बड़े बड़े कल कारखाने जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ है और हमारे सामने उदाहरण भी है, बहुत बड़ा उदाहरण तो इसी समय चल रहा है और आज हमने इस समाज को विध्वंसता के कगार पर ला के खड़ा किया है। ये मैं नहीं, ये बैक कह रहे हैं और बैक की अवधारणा कह रही है, आधुनिकता के सिद्धांत में बैक ने जो इसकी एक एक लाइन आज के समय में एकदम सटीक बैठती है। दूसरा वह कहते हैं स्वास्थ्य को खतरा। तकनीकी तंत्र तथा औद्योगिक विकास ने इतनी बड़ी बड़ी महाबीमारियों को पैदा किया है कि वह मानवता के पूरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। और ऐसे ही एक समय अभी हम सब जूझ रहे हैं जहां हम मानव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्टे होम और स्टे सेफ पर आ गए हैं। तो ये जो जोखिम हुआ इसमें वह कहते हैं कि एक तो निर्माणी मैन्युफैक्चर्ड रिस्क है, दूसरा वह कहते हैं हेल्थ का रिस्क है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और तीसरा वह कहते हैं इनइक्वालिटी गैर बराबरी। जहां आधुनिक समाज में भौतिक जोखिम आई, फिजिकल जो रिस्क आया उसने हमें सोशल और कल्चरल भी रिस्क को पैदा किया, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी समाज में जोखिम आया, क्योंकि आधुनिकता का बहुत बड़ा जो धरातल है, जो बैकग्राउंड है, उसमें क्या है, पूंजीवाद है। पूंजीवाद आज भी है, आज भी हम भारत जैसे देश में देखें तो एक बहुत बड़ा पूंजी का भाग कुछ वर्ग के पास है और बाकी आप सब समझ रहे हैं, हम उसको यहाँ चर्चा विस्तृत नहीं करेंगे। जब पूंजीवाद व्यापक हो जाता है तब इसका प्रभाव गैर बराबरी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। आधुनिक समाज, बैक कहते हैं, जितना अधिक विशुद्ध और व्यापक बनेगा, आधुनिक समाज जितना अधिक विशुद्ध और व्यापक बनेगा हमारे समाज में जोखिम की दर भी उतनी अधिक तेजी से बढ़ती जाएगी। जब बैक आधुनिकता के प्रारंभ की बात करते हैं तो उनकी दृष्टि में इस आधुनिकता के विशिष्ट लक्षण कौन से हैं, और इधर जब वह बताते हैं कि यह आधुनिकता का विशिष्ट लक्षण क्या है, किस कारण हमारे समाज में आधुनिकता आई, तब वह आत्मवाचक समाज या रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की बात करते हैं। आत्मवाचक, स्व आत्मवाचक यानी अपने ही बारे में सोचना, और आत्मवाचक समाज के केंद्र में व्यक्तिकरण की अवधारणा मुख्य बिंदु है। व्यक्तिकरण, यूरोप में एक नई परंपरा चली थी, उसके अनुसार व्यक्ति समाज से अपने आप को मुक्त करता है, अर्थात समाज की परंपराओं से स्वयं को मुक्त करना चाहता है, इसी को व्यक्तिकरण कहा गया। इस नई प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेता है और समाज का दबाव ढीला पड़ जाता है। इससे पूर्व जब हम परंपरागत समाज की बात करते हैं, परंपरागत समाज में यहाँ तक कि व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा, किसके साथ उसके सामाजिक संबंध बनेंगे, किसके साथ उसका उठना बैठना, हर चीज़ समाज, नातेदारी और वर्ग निर्धारण करता था। लेकिन आधुनिक समाज जिसे हम रिफ्लेक्सिव सोसाइटी कह रहे हैं, आत्मवाचक समाज कह रहे हैं, इसमें व्यक्तिकरण और व्यक्तिवाद केंद्र में है, और अब व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में यह सब कमज़ोर हो गया है, अर्थात परंपरागत रूप से जो नातेदारी वर्ग थे, जो निर्धारित करते थे, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते थे, उन सबका दबाव कम हो गया है। व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में यह सब कमज़ोर हो गया है और अब तो व्यक्ति की पहचान स्वयं से है, वह स्वयं में क्या है, उसका कोई वर्ग नहीं है। व्यक्तिकरण की इस प्रक्रिया को ही बैक ने आत्मवाचकता कहा है, रिफ्लेक्सिविटी जो कहते हैं, आत्मवाचकता, यही व्यक्तिकरण है। अब समाज में हमें किनके साथ संबंध रखने हैं, किनके साथ संबंध नहीं रखने हैं, किससे हमें अपेक्षा करनी है और किसकी उपेक्षा करनी है, यह व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है, इस सब का निर्णय व्यक्ति स्वयं लेता है। दूसरी तरफ समाज में जो भी परंपराएं हैं, बैक कहते हैं, उनका निर्माण भी व्यक्ति अब स्वयं कर रहा है, अपने सुविधा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार व्यक्ति नई नई परंपराओं को जन्म दे रहा है, और आधुनिकता के लक्षण में वह स्वयं परंपराओं को निर्माण कर रहा है और स्वयं उनसे उनको मान रहा है। अपने सिद्धांत में बैक व्यक्ति की गतिविधियों को भी बांटते हैं,
अपने इस सिद्धांत में व्यक्ति की गतिविधियों को बांटते हैं और व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म को वह बहुत अधिक महत्व देते हैं, वो उनके केंद्र बिंदु है आत्मवाचक समाज का। और यहाँ बैक अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न करते हैं कि आत्मवाचक समाज में भी जोखिम कहाँ से आया? जब व्यक्ति स्वयं के बारे में ही सोच रहा है, अपने ही बारे में सब कुछ कर रहा है, फिर रिस्क कहाँ से आ गया, फिर जोखिम कहाँ से आया? इसका उत्तर बैक देते हैं, वे व्यक्तिवाद के साथ कुछ धारणाएँ रखते हैं। और बैक कहते हैं कि आधुनिक समाज की नींव में ही कुछ ऐसे लक्षणों पर स्थापित है, आधुनिक समाज की नींव कुछ ऐसे लक्षणों पर स्थापित है जिसमें जोखिम अंतर्निहित है और यह जोखिम समय और स्थान से परे है। प्रदूषण कहीं भी हो सकता है, पॉल्यूशन की बात है तो वह कहीं भी हो सकता है जहां औद्योगिकरण होता है। और जैसे औद्योगिकरण है तो प्रदूषण होगा, औद्योगिकरण है तो स्लम्स एरिया होंगे तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन धारणाओं के साथ बैक एक हाइपोथेसिस या एक प्रकल्पना रखते हैं कि जोखिम का संबंध वर्ग के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ जब वह वर्ग के साथ जोखिम को जोड़ते हैं तो कहते हैं कि जोखिम का संबंध जब एक क्लास के साथ वर्ग के साथ होता है तो वैसा नहीं होता जैसा सामान्य, उल्टा संबंध होता है। और उन्होंने कहा कि आज तक का जो हम रिस्क का इतिहास उठा के देखें, जोखिम का इतिहास उठा के देखें, तो धन की तरह जोखिम का संबंध भी वर्ग से होता है, लेकिन वह संबंध उल्टा होता है। अर्थात धन समाज के उच्च स्तर पर है, सबसे ऊपर धन है, और जोखिम समाज के निचले पायदान पर है, निचले स्तर पर है। या देखने से दूसरी दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि जोखिम ने वर्ग समाज को समाप्त करने की अपेक्षा उसे और मजबूत किया है। जोखिम यानी रिस्क ने समाज में वर्ग को और अधिक मजबूत कर दिया है। परिणाम स्वरूप गरीबों में जोखिम पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके विपरीत जिसके पास धन है, शक्ति है, ज्ञान है, वह जोखिम को या रिस्क को खरीद लेता है और बदले में उसे जोखिम से मुक्ति मिल जाती है। उदाहरण के लिए इस समय हम सब एक कोरोना संकट से, महामारी के उस जूझ रहे हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इस समय जो परेशान हुआ वह कौन सा वर्ग था? रिस्क में। रिस्क हमारे लिए भी है, उसके लिए भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्ग परेशान हुआ वह समाज का गरीब निम्न वर्ग परेशान हुआ। सड़कों पर वह पैदल चला, धूप में वह पैदल चल रहा है। अब यहाँ अगर वह कहते हैं कि ये जो रिस्क है, इसने जिसके पास ज्ञान है, शक्ति है, संसाधन है, उसने इस जोखिम को खरीद लिया। यहाँ खरीदने का तात्पर्य इससे है कि उसने अपने को सुरक्षित किया है, वह अपने घर में है, उसके पास पूंजी है, वह उसी का निर्वहन करेगा, बाहर नहीं निकलेगा तब भी चल जाएगा। लेकिन जो लंबे समय तक घर में रहेगा उसका जीवन यापन और जीविका पर संकट आएगा। तो यहाँ जो ये बात कर रहे हैं कि जोखिम वर्ग से जुड़ा है, जो उच्च है वह उस रिस्क को खरीद लेता है, उसके पास संसाधन ऐसे हैं कि वह स्वयं को सुरक्षित रख सकता है। और यही बात जो वर्गों पर लागू होती है, राष्ट्रों पर भी बैक कहते हैं लागू होती है। संपन्न राष्ट्रों की तुलना में जो गरीब, कमजोर या अविकसित राष्ट्र हैं वहाँ जोखिम का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि संपन्न राष्ट्र अपनी तकनीकी तंत्र को गरीब राष्ट्रों को या अविकसित राष्ट्रों को बेचते हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजी या तकनीकी तंत्र के जो खतरे हैं, जिसमें कि जोखिम है, रिस्क है, वे गरीब राष्ट्रों को भी भुगतने पड़ते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन्होंने इस तकनीकी तंत्र को बनाया, जो बहुत संपन्न राष्ट्र हैं, उनके पास जोखिम नहीं होगा। उनके पास भी जोखिम होगा, लेकिन उनके पास कम मात्रा में जोखिम होता है। बैक कहते हैं कि तकनीकी तंत्र का बूम रेंज इफेक्ट होता है। यहाँ पर उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, बूम रेंज, या ऐसे हम बूमरांग भी कहते हैं। यह शब्द मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी में शब्द प्रयोग होता है। और बूमरांग का अर्थ मैं आपको बता दूँ, किसी व्यक्ति को किसी और के खिलाफ निर्देशित किए जाने वाले कार्यों को जल्द या बाद में स्वयं के खिलाफ, जब हम कोई चीज़ दूसरे के लिए प्लान करते हैं, षड्यंत्र हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उसको हानि पहुंचाए, तो
कभी न कभी एक न एक दिन वह चीज़ हमारे ऊपर भी पलट कर आती है। हिंदी में इसका बूमरांग या बूमरेंस का जो सामान्य शाब्दिक अर्थ है वह होता है अप्रत्याशित रूप से उलट जाना या पलट जाना या विपरीत पड़ जाना। तो यहाँ पर बैक जब बूमरेंग इफेक्ट की बात करते हैं तो उनका कहना है कि जो समृद्ध राष्ट्र हैं उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की या कोई भी ऐसी चीज़, जैसे अभी ये कोरोना वायरस आया, ये पुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई कि ये वायरस बायोलॉजिकल डेवलप मतलब उस तरह से लैब में डेवलप किया गया या कहाँ से आया, लेकिन जहाँ भी डेवलप किया गया उसने भी उसको भोगा, उस कष्ट को, उस समस्या से उसको भी सामना करना पड़ा, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि चीन के वुहान और ये सारी चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं, यही बूमरैंग इफेक्ट है। बैक अपने इस रिस्क सोसाइटी में कहते हैं कि जिन कारखानों में तकनीकी तंत्र बनता है, पैदा होता है, या ऐसा नहीं कि वहाँ शांति होती है, वहाँ भी बहुत सारी नई नई समस्याएं आती हैं। लोग मांग करते हैं, श्रमिक हड़ताल करते हैं, अपनी मांगें करते हैं, प्रदूषण का भी खतरा होता है, श्रमिकों के साथ दुर्घटनाएँ भी होती हैं। उनका कहना है कि किन्हीं समाजों में जोखिम कम तो कहीं समाजों में जोखिम अर्थात रिस्क ज़्यादा है। आत्मवाचक समाज, रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की चर्चा में बैक कहते हैं कि क्लासिकल औद्योगिक समाज में, जो क्लासिकल औद्योगिक समाज था, कहने का तात्पर्य जब उद्योग धंधे विकसित हुए, क्लासिकल हमारा जो औद्योगिक समाज था उसमें प्रकृति और समाज एक दूसरे से भिन्न थे, अलग अलग थे। ठीक इसके विपरीत उच्च औद्योगिक समाज में प्रकृति तथा समाज एक दूसरे से अलग ना रहकर एक दूसरे में हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रकृति और समाज एक दूसरे में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में जब समाज में परिवर्तन आता है तो प्रायः इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन भी आता है और व्यक्ति जो बैक कहना चाहते हैं कि प्रकृति समाज है और समाज ही प्रकृति है। प्रकृति समाज है और समाज ही प्रकृति है, यानी अब जो समाज में हमें नेचर और ये प्रकृति नज़र, ये हमने बनाई है। क्यों? क्योंकि हम अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहे हैं और हम वृक्ष लगा नहीं रहे, और जो लगा भी रहे हैं वह कागज़ों पर और बहुत कम। थोड़ा सा कथानक इतिहास में जाके देखेंगे कि जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो सम्राट अशोक या महान जब शासकों का वर्णन पढ़ते हैं और उनके प्रमुख कार्यों की चर्चा होती थी, उन्होंने भी उस समय में विकास किया। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, वहाँ भी हुआ, लेकिन आज जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमें लगता है उनके समय में जो विकास था वह सस्टेनेबल था, क्योंकि जब आप सम्राट अशोक के बचपन में आपने कहानियाँ और जो इतिहास में पढ़ा होगा, महाराज सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाना, कुएँ खुदवाना, सराय खुलवाना कि जो राह में राहगीर निकले वह छायादार वृक्ष, उसके पैर जलते ही नहीं थे, सराय होती थी, कुएँ खुदवाए जाते थे। आज देखिए कि जब ये मजदूर पैदल चल रहे हैं, इनके पैर जल रहे हैं, जिसको हमने विकास किया, अगर आज यही छायादार वृक्ष होते तो इनकी थकान को कुछ दूर कर सकते थे। इस विषय पर लंबा नहीं जाऊंगी, लेकिन जो बात यहाँ पर बैक कह रहे हैं उस संदर्भ मैंने बताया कि प्रकृति समाज और समाज ही प्रकृति, हमने इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसको हम अब हमें नई परंपराएं जनरेट करनी होंगी। कुछ ऐसी परंपराएं हों कि विवाह के समय एक वृक्ष या पौधारोपण कराया जाए, और ऐसी परंपरा की मैथी परंपरा के नाम से उत्तराखंड में ये प्रारंभ की गई है कुछ जनजातियों द्वारा कि विवाह के समय वहाँ एक पौधा लगवाया जाता है, एक वृक्ष नवयुगल से लगवाया जाता है कि जैसे जैसे यह वृक्ष बढ़ेगा वैसे ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, फल फूल, ये कहने, ये परंपराएं हैं। हम चाहें तो इस समाज को फिर से नया बना सकते हैं। बैक कहते हैं कि प्रकृति का राजनीतिकरण कर दिया गया है। प्रकृति का राजनीतिकरण, एक नई टर्मोलॉजी बैक ने प्रयोग की, प्रकृति का राजनीतिकरण हो गया है। बहुत सारी प्रकृति बचाओ पर हमारे सेमिनार, संगोष्ठियाँ, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सार्थक पहल हम और आप आज कितनी कर रहे हैं, हमें इसको भी देखना होगा। राजनीति का जो परंपरागत क्षेत्र था, बैक कहते हैं अब वह ढीला पड़ गया है, सरकार की शक्ति कहीं कहीं कमजोर हो रही है और अपने जोखिम भरे समाज की व्यवस्था को
जो विस्तार पूर्वक बैक कहते हैं कि समाज में जोखिम औद्योगिकी ही नहीं है, केवल इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ही रिस्क नहीं है, ये जोखिम आधुनिक समाज के अन्य क्षेत्रों में भी देखे जा रहे हैं। आधुनिक समाज का एक केंद्र प्रजातंत्र भी है, डेमोक्रेसी भी है। जोखिम का जो व्यापक स्वरूप हमें औद्योगिकी में देखने को मिलता है, वह प्रजातंत्र में भी पाया जाता है। यहाँ बेक ने कहा कि जोखिम केवल औद्योगिक समाज में है या औद्योगिकी में है, ऐसा नहीं है। औद्योगिक समाज और जो आधुनिक समाज है उसका केंद्र डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है। उस प्रजातंत्र में भी बहुत बड़ा रिस्क है। और यहाँ वह कहते हैं कि प्रजातंत्र में जोखिम कैसे आया, उपराजनीतिकरण, उपराजनीति। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, सब पॉलिटिक्स। यह उपराजनीति जोखिम बहुराष्ट्रीय कंपनियों और प्रयोगशालाओं में देखने मिलती है। वह कहते हैं कि यह जो जोखिम है प्रजातंत्र में, ये उपराजनीति की देन है। और उपराजनीति कहाँ से आई, जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, प्रयोगशालाएं, उनमें हमें देखने को मिलती है। अब इस उपराजनीति के दौर में ज्ञान का विकास राज्य से हटकर, संसद से हटकर, राज्य और संसद से हटकर बड़े कारखानों, कंपनियों और प्रयोगशालाओं में हो गया है। वास्तविक ज्ञान का केंद्र तो यह उपराजनीति के ही केंद्र समझे जा रहे हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं। आधुनिकता अब केंद्रीय शक्ति की गिरफ्त से बाहर निकल गई है। आधुनिकता बाहर निकल चुकी है, अब केवल एक जगह आधुनिकता नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकता दिखाई दे रही है। और इस तरह इसकी स्थिति में जोखिम भी, रिस्क भी उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। व्यक्तिवाद एवं उपराजनीति। व्यक्तिवाद यानी हर व्यक्ति स्वयं के बारे में सोच रहा है, अपने निर्णय ले रहा है। और उपराजनीति जिसमें कि मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, संस्थान हैं, इनका हस्तक्षेप बढ़ गया है। तो व्यक्तिवाद और उपराजनीति ने एक ऐसा आत्मवाचक समाज, एक ऐसी रिफ्लेक्सिव सोसाइटी का रूप ले लिया है जिसने आधुनिकता के समक्ष एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। यही बैक का जोखिम भरा रिस्क सोसाइटी की एक अवधारणा है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं इसमें प्रतिपल रिस्क ही रिस्क है, और हमें यह भी देखना होगा कि इनसे हम कैसे बचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।